भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात झा अपने एक दिवसीय प्रवास पर गुना पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नागरिक संशोधन बिल के तहत बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने नागरिक संशोधन अधिनियम के बारे में विस्तार से अपने कार्यकर्ताओं को बताया। उस दौरान प्रभात झा जमकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भड़के। उनके बारे में यह तक कह डाला कि अगर हिम्मत है तो गुना में मंच लगाकर मेरे सामने आए। साथ ही सिंधिया को यह भी चैलेंज दिया कि अगर मैं उनसे हार गया तो मैं संन्यास ले लूंगा, नहीं तो सिंधिया को राजनीति छोड़नी ही पड़ेगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि किसके इशारों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुन चुन कर परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने सिंधिया को जमीनों पर कब्जा करने वाला भी कह डाला। वहीं अपने एक वक्तव्य में यह भी कहा कि इमरजेंसी के समय में 18 महीने हमने कैसे काटे ये हम ही जानते हैं। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए और सवालों के जवाब दिए। जब उनसे प्रश्न किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद कह रहे हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सरकार गिराना जनता के हाथ में होता है। साथ ही यह भी कहा कि कोई भी विपक्ष का नेता ये नहीं कहेगा कि हम हमेशा विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। साथ ही सिंधिया पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि सिंधिया चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सांसद केपी यादव के बेटे पर भी झूठा मुकदमा सिंधिया के इशारे पर दर्ज किया गया है। मैं दे आऊंगा, कमलनाथ जी में दम है तो कर दें कार्रवाई, सारे कागजात में कमलनाथ जी को देकर आऊ। वैसे क्या है उन कागजातों में, क्या नहीं पता है आपको? मैं तो यार 2015 से चिल्ला रहा हूँ और गरीब समझ गया लेकिन पत्रकार नहीं समझ गया। गरीब समझ गया कि आदमी पूरा जमीन घेरु है। अभी हरि सिंह दर्शन सिंह जो शहीद हुए थे उनके कॉलोनी वहां जो कॉलेज स्कूल है वहां पे आशीर्वाद समारोह का मंडप बना दिए। बताइए ना, हम सुनते थे कि राजा महाराज है गरीबों के लिए मकान बनाते हैं धर्मशाला बनाते हैं, ये तो सरकारी जमीन पे ही हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए मैं कमलनाथ जी को सारा कागज दे दूंगा और देखूंगा कमलनाथ जी कितनी कार्रवाई करते हैं। कब जाएंगे आप कागज? अरे अब ये कोई बात है कि अभी चले जाएंगे क्या? जरा शादी वादी कर ले बच्चों की, नाराज मत होना। क्या मैं ये कहूंगा कि हमेशा बनी रही? अभी तक कुर्सी नहीं हिल पाई। अरे कुर्सी वापस बीजेपी। अरे फिर मैं कह रहा हूँ, कुर्सी जनता हिलाती है और जनता लाती है। जिस दिन गिरनी होगी उस दिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप चलाओगे। गोपाल भार्गव जी तो हर चार दिन में कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। गोपाल जी क्या कहेंगे, ये सरकार बनी रहेगी और मैं विपक्ष में ही रहूंगा? ऐसा क्या कर रहे, चार दिन में कहते तो हम इंतजार कर रहे हैं ना, 6 महीने 8 साल हो गया पूरा। आप जिस बीट को देखते हो उसमें क्या रहता है, सबसे अच्छी खबर मेरी होनी चाहिए, ब्रेकिंग टनाटन चले। कहीं गतिरोध नहीं है, गतिरोध वो फैला रहे हैं जिनको लगता है कि सत्ता से वो दूर हो गए। क्या इसमें गलत है? अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में यदि आते हैं, वहाँ धार्मिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कोई तकलीफ होती है और आते हैं तो नागरिकता नहीं देनी चाहिए क्या? क्या कांग्रेस के ज़माने में नागरिकता नहीं दी जाती थी क्या? उस पर संशोधन हुआ 11 साल के बदले 5 साल। इसलिए ये विरोध सिर्फ कुर्सी और जनता को गुमराह करने का विरोध है। इसलिए हम लोगों ने भी तय किया है गली कुचे गांव गांव में जाने का, संपर्क करके बताने का काम किया। जो विरोध कर रहे हैं उनका एक कहना है कि सरकार के पास ये अधिकार है वे किसको नागरिकता दे और किसको ना दे। उसके अंदर मुस्लिम शब्द क्यों लगा दिया? कहाँ लगा दिया मुस्लिम? बात मेरे को कहाँ लगाया मुस्लिम? नहीं, पारसी जैन मुस्लिम को छोड़ के। इसलिए इन राष्ट्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक है, अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में, इसलिए वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक तो वो है जो कम संख्या में है। वहाँ तो धर्म है इस्लाम, संविधान के आर्टिकल 2 में लिखा है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने कि यहाँ तो इस्लाम धर्म है, इसलिए वहाँ वो बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक तो पारसी है, बौद्ध है, सिख है, हिंदू है, इसलिए उसका नाम लिखा गया, जैन है, तमिल है। जो सांसद जी पे FIR हुई थी अशोकनगर मामला, काफी तूल है, तूल नहीं है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ज्योतिरादित्य जी और चुन चुन कर बीजेपी। बताइए KP यादव से बदला लो यार, आप उसके बच्चों से बदला ले रहे हैं, कहाँ का न्याय है ज्योतिरादित्य जी? हर का बच्चा होता है, किसी के बच्चे के साथ ऐसे, मेरे बेटे के साथ आप क्यों बदला लोगे? आप मेरे से लो ना, मैं आपका विरोधी हूँ, राजनीतिक विरोधी नहीं हूँ, वैचारिक विरोधी। बाकी आप भी मिलेंगे तो गले से मिलेंगे। नहीं, इसीलिए उनके पिताजी को संवेदना व्यक्त करने में जा रहे हैं। 3 महीने हो गए जी अस्पताल में, 1 महीने थे वहाँ पे, कभी नहीं गए।